बंदरों की टोली ने एक महिला को इतना डराया कि उसने छत से छलांग लगा दी, जिस वजह से महिला के दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए। इन बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोग अपने घर से निकलने से डरने लगे हैं। पौड़ी शहर में बंदर इतनी तादाद में बढ़ गए हैं कि अब इंसान डरने लगे हैं। ये बंदर टोलियों में घूमते हैं, लोगों को डराते हैं। आए दिन बंदरों का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। बंदरों का खौफ इतना हो गया है कि स्कूली बच्चे और राहगीरों को हर वक्त ये बंदर काट ना लें इसका खतरा बना रहता है। बंदरों के झुंड खेती को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बंदर इतने शातिर हैं कि घर के अंदर से सामान चुरा कर भाग जाते हैं। बंदरों के आतंक का ताजा मामला शहर के सर्किट हाउस मोहल्ले का है, जहां बबीता नेगी नाम की महिला छत पर कपड़े सुखा रही थी। वहां बंदरों की टोली आ धमकी घुड़का कर महिला को डराने लगी। बंदरों के झपट्टा मारने के डर से महिला छत से कूद गई, जिसके कारण उसके दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया। महिला का इलाज जिला अस्पताल पौड़ी में चल रहा है। घायल महिला से मिलने स्थानीय विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी पहुंचे। उन्होंने महिला का हालचाल जाना। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की स्थानीय विधायक से शिकायत की, ताकि इस घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो सके। अस्पताल जिला अस्पताल में गया था और वहीं मैंने उस महिला को देखा जो जिसके साथ ये घटना घटी है, और उनसे मेरी बातचीत हुई है। अपने जानने वाले लोग हैं, नगर क्षेत्र में रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि बंदरों की वास्तव में बड़ी समस्या है, क्योंकि घर में घर तक घुसकर वो सामान उठा के ले जाते हैं, और अगर उनको भगाने की कोशिश करते हैं तो काटने के लिए दौड़ते हैं झुंड के रूप में। तो उसका नतीजा सामने दिखा आज की, वो छत में थी महिला, और वो बंदरों ने जैसे उसकी तरफ गए होंगे, वो डर के मारे इधर से कूदी छत से और उसकी दोनों टांगें जो है फ्रैक्चर हो गई है। इस संबंध में मैं अभी वन विभाग से भी बात करने वाला हूं, उन्होंने भी बात की है, मैं भी करूंगा, और उनको जो उचित मुआवजा और जो भी है ये तो मिलेगा ही, मिलना ही है, लेकिन मुआवजे से काम नहीं चलने वाला है। ये अस्थाई समाधान नहीं है। बंदरों को शहर से दूर कैसे किया जाए, इसके बारे में सोचना जरूरी पड़ेगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।